सो हाय गाइस, मेरा नाम हरीश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पास्ट पेजेस स्टोरीज बाय हरीश। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पहली हवाई यात्रा कैसे करें, जैसे कि मैंने मेरी पहली हवाई यात्रा की थी, तो उसके बारे में सब बताने वाला हूँ, कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाऊंगा आपको, एक एक चीज के बारे में समझाऊंगा। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए टेक ऑफ करते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको सेशन दूंगा कि अगर आपकी फर्स्ट फ्लाइट है तो आप घर से दो घंटे पहले निकली है, मतलब जैसे आपकी 10 बजे की फ्लाइट है तो आप 7:30-8 बजे निकल जाएंगे एयरपोर्ट के लिए। तो सबसे पहले जो स्टेप होगा एयरपोर्ट पहुंचते ही, वो होगा आपका आईडी देखेंगे तभी आपको एंट्री देंगे। तो आप कोई भी एक गवर्नमेंट प्रूफ आईडी ले जाइए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपना क्या बोलते हैं पासपोर्ट ले जाइए, और अपना टिकट उनको दिखाइए कि भैया ये टिकट है और ये मेरा आईडी है। तो आपका दोनों वेरीफाई करेंगे, टिकट पर नाम और आईडी पर नाम, फिर आपको एंट्री दे देंगे। तो इस तरह से आपको एयरपोर्ट पर एंट्री मिलेगी आईडी के जरिए, ठीक है। जैसे आप एयरपोर्ट में एंट्री कर लेंगे, अब आपका मेन जो है वो प्रोसेस शुरू हो चुका है। जैसे आप एयरपोर्ट पे एंट्री कर लेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा टर्मिनल दिखेगा। आप देखिए टर्मिनल में बहुत सारे आपको काउंटर्स दिखेंगे, एयर इंडिया, एयर एशिया, इंडिगो, स्पाइसजेट। तो आपको अपने वाले काउंटर पर जाना है जिस काउंटर की आपके पास टिकट है। उससे पहले आपको अपना जो भी लगेज है वो चेक कराना पड़ता है। वहाँ एक चेक इन कैबिन होगा, तो वहाँ आपको अपना सामान एक मशीन के अंदर डालना होगा, अपना लगेज एक मशीन के अंदर डालना होगा। तो जो भी आपका अगर मान लीजिए कोई भी सामान निकलता है तो वो आपका वहाँ निकाल देते हैं, जो भी लेना अलाउ नहीं है फ्लाइट में। तो आपका सारा सामान वहाँ चेक होता है, सारा लगेज वहाँ चेक होता है। उसके बाद अगर आपका परफेक्ट है सब कुछ, उसके बाद आप अपने चेक इन काउंटर पे या जो भी अपना काउंटर है, मान लीजिए आपका काउंटर है एयर एशिया और आपकी फ्लाइट है मुंबई के लिए, तो एयर एशिया के काउंटर में मुंबई की एक स्क्रीन ग्लो हो रही होगी, एक एलईडी पे मुंबई लिखा हुआ होगा, तो वही आपकी लाइन होगी, उस लाइन में आपको लगना है। अब उस लाइन लगने से क्या होगा कि वहाँ वो आपको बोर्डिंग पास डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आपका सीट नंबर आपको बताएंगे वहाँ पे, और आपके जो हैंडबैग होंगे वो भी वहीं पे ही आपका चेकअप होंगे, और आपका जो लगेज होगा वहीं से ही फ्लाइट के अंदर जाएगा, ठीक है। देखिए आप मान लीजिए लाइन लग गया, लाइन में आधे घंटे बाद आपका नंबर आता है, क्योंकि लाइन जनरली लंबी होती है। तो उसके बाद जैसे आप पहुंचे तो आपको अपना टिकट दिखाना है, अपना आईडी दिखाना है, ठीक है। आईडी आपको बोर्डिंग पास प्रिंट करके देंगे वो, ठीक है। उसके बाद आपको अपना जो लगेज है वो देना है। तो 15 kg तक का लगेज होता है इन फ्लाइट के अंदर एज ए लगेज अलाउ होता है, मतलब वो जो होता है वो आपको साथ में ले जाने देता है, वो फ्लाइट के अंदर ही जाता है और आपको फिर वहाँ मिलता है जब आप उतरते हैं वहाँ पे अपनी डेस्टिनेशन पे। तो यहाँ पे आपको वो जो बड़ा सा आपका लगेज है वो वहाँ जमा कराना है, वो वहाँ पे उसको एक लॉक कर देंगे और भेज देंगे नीचे की तरफ। और आपका जो हैंडबैग है उसको भी चेक किया जाता है, उसका जो वेट होना चाहिए मैक्सिमम 7-8 kg होना चाहिए, 7 kg रहता है फ्लाइट के लिए, तो एक आप बैग कैरी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपका लगेज जा चुका है फ्लाइट के अंदर और आपको मिल चुका है बोर्डिंग पास। तो ये मेन मेन चीज़ें हो गई हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका सिक्योरिटी चेक। देखिए जैसे आप जैसे मान लीजिए कि आपका बोर्डिंग पास मिल जाए, उसे बोर्डिंग टाइम आधे घंटे बाद गया, तो आप आधे घंटे आराम से टहल लीजिए, घूम लीजिए एयरपोर्ट पे, और आधे घंटे बाद जब आप जाएंगे तो फिर से एक आपको लंबी सी लाइन मिलेगी। अब वहाँ क्या है कि अब आपके पास क्या बचा, आपके पास हैंडबैग, तो हैंडबैग आपको वहाँ चेक कराना पड़ता है और खुद का आपका बॉडी सिक्योरिटी चेक होता है, ठीक है। अब उसमें बताता हूँ क्या होता है। जैसे ही आप वहाँ पहुँचेंगे, आपका नंबर आता है, तो एक ह्यूमन बॉडी स्कैन करने वाली मशीन होगी, तो वहाँ आपको गुजरना पड़ेगा। उससे पहले आपके पास जो भी है पावर बैंक, लैपटॉप, मोबाइल, पर्स, वॉलेट, सब आपको एक ट्रे के अंदर रखना होता है। अब उस ट्रे के अंदर रखने से क्या होगा कि आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जो आप अंदर ले जा सकें, आपका फुल ओनली बॉडी स्कैन होगा वहाँ पे, बॉडी चेक होगा। तो सारी आपकी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, पर्स वगैरह सब उस ट्रे के अंदर आ गया, और ट्रे अगेन एक सिक्योरिटी मशीन के अंदर से गुजरती है कि वहाँ कुछ ऐसा नहीं है जो फ्लाइट में लेना अलाउ नहीं है, या फिर वो सब परफेक्ट है। अगर सब परफेक्ट होता है तो आपको आगे जाने देते हैं। तो बॉडी स्कैन होता है, यहाँ आपका इलेक्ट्रॉनिक जो भी सामान है वो रख देते हैं, फिर आगे आप उसको ले जा सकते हैं। अपने वॉलेट्स वगैरह रख लीजिए और अपने बैग में पावर बैंक वगैरह, मोबाइल वगैरह सब रख लीजिए आप, ठीक है। तो इसके बाद आपका अब ये जो है मेन चीज़ें हो चुकी है, आपका सिक्योरिटी चेक हो चुका है, ये हो चुका है। अब आपको भेज देंगे अपने गेट की तरफ। देखिए अब आपका जो बोर्डिंग पास है उस पर गेट नंबर लिखा होगा, जैसे मान लीजिए गेट नंबर है D1। अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट पर, तो आपको बहुत टाइम लगेगा ढूंढने में, बोर्ड लगे हुए मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपको अपने गेट नंबर पर जाना है, तो गेट नंबर आपके बोर्डिंग पास पर लिखा होगा, सीट नंबर आपके बोर्डिंग पास पर लिखा होगा। तो बोर्डिंग पास में देखा गेट नंबर है D2 पे चले गए, तो D2 के लिए आपको डायरेक्शन मिल जाएंगे, ऊपर जो बोर्ड लगे होते हैं, ऊपर जो नेविगेशन बोर्ड होता है वो आपको मिल जाएंगे। तो आपको वहाँ अपने गेट पर जाके आप इंतजार करना है कब फ्लाइट बोर्ड हो। जैसे फ्लाइट बोर्ड होगी तो अनाउंसमेंट होता है कि जो भी है एयर एशिया की फ्लाइट के, एयर इंडिया की फ्लाइट के, वो इस लाइन में आ जाए, उनका बोर्डिंग स्टार्ट हो चुका। तो ये है कि अब आपको जाना है गेट की तरफ। अब आप गेट पर चले गए, गेट पर काफ़ी सारा लंबा वेटिंग एरिया होता है, आप वहाँ आराम से बैठ सकते हैं, वहाँ खा पी सकते हैं, वहाँ खाने की चीज़ें भी होती हैं, काफ़ी स्टॉल्स होती हैं, काफ़ी मैकडोनल्ड्स, आपको सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। तो जैसे ही आप गेट के पास जाके बैठेंगे तो वहाँ वेटिंग एरिया स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको वहाँ सिर्फ वेट करना है कि कब बोर्डिंग स्टार्ट हो। अब मान लीजिए आपकी बोर्डिंग स्टार्ट हो जाती है तो फिर अगेन आपको एक लंबी सी लाइन दिखेगी। अब लंबी सी लाइन दिखने का मतलब ये है कि आपको इन फ्लाइट अब एंट्री दी जा रही है, तो आपको फिर से उस लाइन के अंदर रखना है, वो शायद लास्ट लाइन होती है बोर्ड करने से पहले। जैसे आप उस लाइन के अंदर लगे,
तो आप जब पहुंचेंगे पर्सन की जब आप पहुंचेंगे आगे फ्लाइट के गेट पे, तो आपका फिर से बोर्डिंग पास चेक होगा कि क्या यहाँ सिक्योरिटी चेक की स्टैंप लगी हुई है जो हमने पिछले पार्ट में लगवाई थी। अगर वो लगी हुई है तो वो आपको अंदर जाने देंगे और फिर से एक सील लगाएंगे कि आप बोर्ड कर चुके हैं। तो बोलेंगे वेलकम, और आपका वेलकम होगा वहाँ पे। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, वेलकम दिया जाता है कि आपको एक स्पेशल फील कराने के लिए वहाँ बोला जाता है वेलकम। जैसे आप अंदर जाएंगे तो अंदर आपको अब अपना सीट नंबर ढूंढना है। देखिए आप दो तरीके सीट नंबर ढूंढने के, या तो खुद से ढूंढ लीजिए या आप एयर होस्टेस को बोल दीजिए, वो आपको गाइड कर देंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप पहली बार जा रहे हो तो आप एयर होस्टेस को बोले तो वो आपको बता देंगे सर इस लाइन में आपका ये तीसरा चौथा नंबर सीट का, ठीक है। तो जैसे ही आप सीट पर बैठ चुके हैं सब सेट है, तो एयर होस्टेस आपको इंस्ट्रक्शन देंगे कि मान लीजिए हमको विमान अगर पानी के ऊपर उतारना पड़ता है या कोई भी इमरजेंसी लैंडिंग होती है तो आपको क्या क्या करना है। तो ये सारी आपको इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, तो वो इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने हैं। उसके बाद आपको कुर्सी की एक पेटी होती है सीट बेल्ट, वो बांधने के लिए कहेंगे क्योंकि अब टेक ऑफ का टाइम हो चुका है। तो आप जब विंडो सीट पर बैठे तो बहुत ही अच्छा है, आपको अच्छा एक्सपीरियंस होगा। और अगर आप डर रहे हैं तो डरने के बाद कुछ भी नहीं है। मान लीजिए आपने कुर्सी की पेटी बांध ली है और आपका एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हो रहा है, तो जैसे ही एयरक्राफ्ट टेक ऑफ होगा आपको थोड़ा सा डर लगेगा जब वो इस सिचुएशन में होगा, लाइक वो स्लोपिंग सिचुएशन में होगा, लेकिन जब वो एक लेवल पर आ जाएगा तो आपके नीचे बादल होंगे और कुछ भी नहीं दिखेगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप सिर्फ बस में बैठे हैं बिना धचके की, उसमें कोई भी धचके नहीं आते आपको। तो ये चीज़ है। अब जब फ्लाइट लैंड होगी तो भी थोड़ा सा स्लोप होगा, लाइक एयरप्लेन लाइक जब फ्लाइट लैंड होगी तो तब भी थोड़ा सा आपको डर लगेगा क्योंकि तब भी वो स्लोप डाउन होगा, तो ये थोड़ा सा आपको लगेगा। जब फ्लाइट लैंड लैंड हो जाएगी तब कुछ भी नहीं होगा, आपको सब नॉर्मल लगेगा। तो ये पहली हवाई यात्रा का एक्सपीरियंस रहा। जब आप उतर चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे और आप जैसे नीचे उतरे अपना बैग लेकर, तो आपको वहाँ इंस्ट्रक्शन दिए होंगे कि आपको अपने बैग वहाँ से मिलेंगे 8 नंबर से, तो 7 नंबर से, 2 नंबर से। ये मशीनें होती हैं जो घूमती थी गोल गोल, इसके ऊपर बैग्स घूमते रहते हैं। तो वहाँ जाके अपने बैगेज का वेट करना है। जैसे ही आपको बैग मिल गया, अपना बैगेज उठाया और फिर चल दिया आप अपने घर की तरफ या होटल की तरफ जहाँ आपको जाना है। अगेन जब आप चेकआउट कर रहे होंगे एयरपोर्ट से, तो आपसे वो छोटा सा बोर्डिंग पास मांगेंगे कि आप क्या एक वैलिड ट्रैवलर हैं या फिर आप कहीं फ्रॉड करके तो नहीं आए। आपका बोर्डिंग पास वहाँ भी चेक होगा, मतलब ये सारी जो चेक्स होते हैं, ये एक लास्ट चेक ये होता है कि आपका बोर्डिंग पास आपके पास संभाल के आपने रखा हुआ है या नहीं। तो ये है, आपको जैसे आपने वहाँ बोर्डिंग पास चेक कराया उसके बाद आपको वो आगे जाने देते हैं। ये थी कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो मैं दे पाया मेरी हवाई यात्रा पहली हवाई यात्रा के बारे में, कैसा करना है, डरना नहीं है बिल्कुल भी, आपका एकदम धैर्य और संयम से काम लेना है, और बहुत मज़ा आएगा अगर आप पहली ट्रैवल यात्रा करेंगे तो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और जो पहली हवाई यात्रा करने वाला हो या करना चाहता है उसके साथ शेयर करें, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें क्योंकि मुझे मिलेगा मोटिवेशन और आपको मिलेंगे रियल टाइम नोटिफिकेशन। तब तक के लिए बाय।